देश में लॉकडाउन लागू है, ऐसे में विवाह कार्यक्रम कैसे संपन्न हो, इसलिए अब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा परमिशन दी जा रही है। लेकिन विवाह की यह परमिशन सशर्त होती है। तहसीलदार लवीना घांगरी ने बताया कि चिचोली क्षेत्र में 17 मई तक के लिए करीब एक दर्जन से अधिक लोगों ने विवाह हेतु आवेदन किया है, तो वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें पालन करना है, मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइजर का उपयोग करना है, ऐसी जानकारी उन्हें दी गई है, दिशा निर्देशित भी किया गया है। 25 वरपक्ष 25 वधुपक्ष के रिश्तेदारों के साथ परमिशन दे दी गई है, आवश्यक जांच की जा रही है। राजस्व निरीक्षक बीआर फोटफोड़े ने कहा है कि वाहनों तथा मंडप में दूल्हा दुल्हन और बारातियों को मास्क का उपयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट। मैडम, ये क्षेत्र में विवाह चल रहे हैं तो इसमें आपको यहाँ से परमिशन दी जा रही है, तो क्या दिशा निर्देश है इन लोगों के? माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार 50 लोगों की और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो वधु पक्ष हैं उनकी अगर चिचोली में विवाह है उसी परमिशन हमारे द्वारा दी जा रही है, जिसमें हम उनका एज के लिए अंक सूची, आधार कार्ड और वोटर आईडी अगर तीनों में से जो भी अवेलेबल है उसको देखते हुए और आवश्यक दिशा निर्देशों के साथ अनुमति दे रहे हैं। तो कितने लोगों की है मैडम परमिशन जो विवाह का में शामिल हो सकते हैं? प्रायोरिटी में 18 तारीख तक के जो भी विवाह हैं अभी तक लगभग 10 से 12 ऐसी अनुमतियां हमारे द्वारा दी गई हैं, और उसके जो आगे की तारीखों में शादी है उसकी परमिशन हम 17 के बाद जैसे भी दिशा निर्देश होते हैं उसके अकॉर्डिंग देंगे। आप ग्राम पंचायत गोंडू मंडई के उपसरपंच हो, तो आप भी यहाँ ये परमिशन लेने आए हैं विवाह की, तो क्या 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 दस्तावेज और क्या क्या लग रहे हैं, क्या क्या मांगे गए हैं आप लोग के ग्राम पंचायत के लोगों से? ग्राम पंचायत से हमने एक आवेदन मंगा हुआ है कि भाई आपके यहाँ शादी है, तो उसके साथ में एक आवेदन और शादी का कार्ड, ताकि प्राधिकृत अधिकारी को हम प्रस्तुत कर सके कि भाई ये शादी है गांव में, इनकी शादी के लिए अनुमति दी जाए। तो कितने लोगों का कहा है? तो तहसीलदार मैडम द्वारा कहा गया कि 25 लोग वर पक्ष और 25 लोग वधु पक्ष के, ऐसे उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी को विथ मास्क लगाकर और पूरी क्वारंटाइन का पालन करते हुए अनुमति 17 तारीख तक देने की बात कही गई है। सर, ये जो ब्लॉक में विवाह आयोजन किए जा रहे हैं तो इसके लिए परमिशन कहाँ से मिल रही है, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार तहसीलदार महोदय द्वारा अनुमति दी जा रही है। तहसीलदार महोदय यदि कोई पक्षकार आता है तो उससे विवाह में आयु संबंधी दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर आईडी या समग्र जो भी उसके पास आयु संबंधी दस्तावेज होता है उसके साथ में आवेदन तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तहसीलदार महोदय द्वारा उसकी जांच कर तत्काल विवाह की अनुमति वर पक्ष के 25 एवं वधु पक्ष के 25 व्यक्तियों को विवाह में सम्मिलित होने हेतु अनुमति दी जा रही है।